दोस्तों वेद प्रकाश का प्यार भरा नमस्कार। जो भी भाई पहली बार टमाटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश स्टार्ट कर दी है, उनके लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। ये पौधा लगभग मैंने एक महीने पहले लगाया था और फिर इसे मैंने एक जगह से उखाड़ कर दूसरे गमले में लगाया और आप देख पाएं कि आज इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, छोटे छोटे से टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा आप देख पाएंगे कि फूल आ रहे हैं लगातार, अलग अलग टहनियों में फूल आ रहे हैं और उसमें से टमाटर बन पा रहे हैं। पॉलिनेशन इनका बड़े अच्छे से हो रहा है और ग्रोथ अगर आप टमाटर के पौधे की देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, हल्की सी ठंड भी इसको मिल पा रही है और ये पौधे ठंड में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। दोस्तों, इसे लगाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना होता है। आप किसी भी पौधे की दुकान से जहाँ पर गमले मिलते हैं वहाँ से आप ऑर्गेनिक सीड लेके आ जाइए टमाटर के, उन्हें एक पॉट में लगा दीजिए। जैसे ही वो थोड़े से बड़े होंगे 2 हफ्ते के, तो आप उन्हें दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ उनको थोड़ा सा स्पेस मिल सके, और जैसे ही स्पेस मिलेगा वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं कि इसमें निराई गुड़ाई की, तो 2 हफ्ते में एक बार हल्की सी निराई गुड़ाई करें और साथ ही उसमें गोबर की खाद डालें। अगर आपके टमाटर में कहीं भी किसी पत्ते में कीड़ा लगा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें नीम का जो पेस्ट आता है उसकी छिड़काव करें और ये ऑर्गेनिक भी रहेगा और वो कीड़े भी समाप्त हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है अगर इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपके लिए जानकारी जुटाएंगे। लगभग 15 दिन बाद देखिएगा, इसमें बहुत सारे टमाटर और भी निकलेंगे लगेंगे, जो आपको देखने में बहुत ही प्रसन्नता होगी और फिर ये खाने लायक भी हो जाएंगे। आज मैं कंपोस्ट खाद लेके आया हूँ, वर्मी कंपोस्ट, जो इसमें मैं डालूँगा। और निराई तो मैंने ऑलरेडी इसकी कर ही दी है, हल्की हल्की निराई, और इसमें जैसे ही खाद पड़ेगी तो वो जड़ों को मजबूती भी देगी और ये पौधा और अच्छे से खिल उठेगा। सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जो हमारी आगे आने वाली सारी पोस्ट आपको दिखें। धन्यवाद।